हेलो फ्रेंड्स राधे राधे एंड जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर शुभकामनाएं और आज के दिन जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी के मौके पर मैंने ऐसा सोचा है कि आज ऐसा पोर्टफोलियो आपका बनाया जाए पोर्टफोलियो इन द सेंस ऐसे पांच स्टॉक्स में आपको बताना चाहता हूं जो मेरे अकॉर्डिंग ओके अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर आपको एक साल के अंदर अंदर डबल रिटर्न मतलब आपके पैसे डबल कर सकते हैं तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं उन स्टॉक से रिलेटेड और बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ दो वीडियो ऑलरेडी आ गई है यहाँ पर इन वीडियोज को जाकर चेकआउट कर लीजिए अच्छा खासे पैसे बनते हुए नजर आएंगे और प्ले को गो थ्रू करिए प्ले में अच्छा खासे आपके वीडियोज बना रखिए उन्हें देखेंगे तो अच्छे खासे यहाँ पर आपको भी नॉलेज आती हुई दिखाई देगी तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं उन पर्टिकुलर स्टॉक्स जहाँ पर आपके पैसे दुगने होने के पूरे चांसेस है और मोर देन कुछ स्टॉक्स में अगर ओवरऑल पांच स्टॉक्स की बात करूं अगर हम उसे ले लेके रखते हैं तो ओवरऑल भी दुगना और मोर देन दुगना यहाँ पर आप हमें हाँ प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देंगे तो आइए यहाँ पर जानते हैं उन स्टॉक से रिलेटेड सारे के सारे स्टॉक्स नए हैं तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड तो यहाँ पर है कार ट्रेड अगर इस स्टॉक से रिलेटेड हम बात करते हैं तो आपको पता चलेगी कि ये कार्रेड स्टॉक्स ये एक्चुअली का, कार ट्रेड करता क्या है तो कार ट्रेड यहाँ पर एक डिजिटल अगर बात करें डिजिटल है, काम करती हुई नजर आती है ऑलरेडी यहाँ पर ये अभी रिसेंटली ये शेयर आता हुआ दिखाई दिया था और इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और फिर दोबारा आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी यहाँ पर स्टॉक से रिलेटेड मतलब जितनी भी कार से रिलेटेड काम होते हुए नजर आते हैं मगर अगर पुरानी कार बेचना नई कार का लेना यहाँ पर अगर इनके बारे में पढ़ेंगे ना आप व्हीकल डीलरशिप व्हीकल ओ एम से अदर बिजनेस टू बाय और सेल एज वेल एज एक एडवर्टाइजमेंट का भी यहां पर ये यह काम करता हुआ नजर आता है यहां पर इनके वेबसाइट पे काम एडवर्टाइजमेंट भी चलती हुई नजर आती है वहां से भी इनका पैसा बनता हुआ नजर आते हैं और आ, एक ऐसी कंपनी ऐस एस, ऐसा आईपीओ जो कि सोली अगर बात करें एक अकेला प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो ये यह एक यहां पर कार्ट्रेड टेक टेक लिमिटेड यहाँ पर आ, आता हुआ दिखाई देता है मार्केट कैप की बात करें स्मॉल कैप कंपनी है छह हजार नौ सौ ग्यारह करोड़ का मार्केट कैप है, की बात के, ही है ROC, कुछ खास नहीं है इसके है इसके बाद डेट फ्री कंपनी और प्लेजिंग की बात करें पर प्लेजिंग भी कोई शेयर यहां पर है नहीं और यहाँ पर अगर हम इससे रिलेटेड बातें करते हैं इसके रिलेटेड कुछ ज्यादा डील है नहीं हमारे पास डेटा बट स्टिल अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपनी की सेल्स अगर हम पिछले पांच साल की देखते हैं तो एक कंटिन्यू वे में अगर हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ती हुई सेल्स है। और एक ऐसी कंपनी जो घाटी स्टार्टिंग में पहले घाटे में थी बट अगर अभी बात करें तो कंपनी धीरे धीरे दी यहाँ पर प्रॉफिट में जनरेट करती हुई दिखाई दे रही है तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर सब चीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके अलावा हम देखते हैं रिजर्व्स तो सोलह हजार करोड़ के आसपास सोलह सौ करोड़ के आसपास का यहाँ पर रिजर्व की, 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 यह की बात करें केवल पाँच करोड़ की है ज्यादा भी नहीं है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें सेवन सिक्सटी सेवन करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी है कैश की बात करें तेरह करोड़ का कैश भी है और अगर हम यहाँ पर जो भी पैसा आता है इनकी बुक में दिखाई देता है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पर रिवील नहीं करी है बट अगर बात करें यहाँ पर कंपनी की कंपनी यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर नजर आती है और ऐसी कंपनी स्टार्ट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करती है जैसे कि फिर उसके बाद जब भागना शुरू करती है तो अच्छा खासा भागती है जो कि हम पिछले देख चुके हैं कैम्स हो गया इसके अलावा रूट मोबाइल हो गया इसी तरीके की एक कंपनी अगर बात कर रही थी बट ए, एक बार भागना शुरू करी तो उन्होंने अच्छे खासे यहाँ पर आ, हमें रिटर्न देते हुए नजर आए कार बात करें आज के दिन तो आज के दिन ये शेयर देखिए अच्छा खासा नीचे से भागता हुआ दिखाई दिया यहाँ पर इसका एक अगर बात करें ये नीचे का रेजिस्टेंस है चौदह 14, चौदह सौ पंद्रह रुपये के आसपास ऊपर यहाँ पर जब ये सोलह सौ सत्रह रुपए के आसपास ये तोड़ देगा तो समझिएगा ये शेयर और भागता हुआ नजर आएगा बट यहाँ पर अगर मैं देखूँ मेरे को क्या नजर आ रहा है तो मुझे यहाँ पर एक अगर बात करें रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर इसने शोल्डर बनाता हुआ नजर आया है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक शोल्डर बनता हुआ नजर आया शेयर थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आएगा और जब ये नीचे आए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बाइंग करनी चाहिए लगभग ये पचास साठ रुपए टूटता है तो यहाँ पर एक बाइंग करनी चाहिए और बाइंग एंड करके फिर उसके बाद शेयर जाता हुआ मुझे लगता है कि आने वाले एक साल में एक साल तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ ऐसी कंपनियां जो अच्छी खासी होती है जो प्रॉफिटेबल बिजनेस में होती है और एक यूनिक बिजनेस नजर आता है वैसी कंपनियां एक साल के अंदर अंदर ही पर पर डबल से ज्यादा पैसा हुई नजर आती है तो पहली कंपनी यहाँ पर ट्रेड है इसकी तरफ हमेशा ध्यान रखिएगा इसके अलावा एक और यहाँ पर शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे ये भी न्यू लिस्टिंग है सारी न्यू लिस्टिंग से रिलेटेड है यहाँ पर बात करें देखिए स्मॉल कैप कंपनी मिड कैप कंपनी कह सकते हैं पंद्रह हजार पांच सौ पैसठ करोड़ का यहाँ परेशो से

आएगा बट उससे पहले कंपनी भाग लेगी और यहां पर देखिए पब्लिक के पास ना के बराबर शेयर है पॉइंट अगर बात करें अम... Uh, कितने मतलब पॉइंट समथिंग परसेंट के शेयर पॉइंट सिक्स फोर सिक्स परसेंट के शेयर पब्लिक के पास है तो इसमें जब भी भागना जब भी ये शेयर कभी भागना शुरू करेगा ना तो अच्छा खासा भागेगा लास्ट टाइम भी आपको पर वीडियो बना के बताई थी यहाँ पर देखिए आज अच्छे खासा भागता हुआ दिखाई दिया बट थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया मैं यहाँ पर दोबारा से शेयर में शेयर को खरीदने जा रहा हूं यहाँ पर इस शेयर को ये शेयर में मुझे बहुत ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है काफी बेहतरीन शेयर है और यहाँ पर यह भी पैसा आपका डबल एक साल के अंदर अंदर करेगा

इंटरनल है इंसाइडर है उन्होंने ऑलरेडी यहां पर बता दिया है तो थोड़ा सा यहाँ पर इस बार के रिजल्ट थोड़े से कम आ सकते हैं बट स्टिल अगर बात करें इस कंपनी की कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखा रही है सेल्स की बात करें यहाँ पर ईयरली बेसिस पे कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है नेट प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है रिजर्व की बात करें नाइन करोड़ के रिजर्व है बॉइंग वन फोर्टी वन करोड़ की है जो कि घटते हुए मैनर में है यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में एक करोड़ रुपये जब ये यहाँ पर एड होंगे फिक्स एसेट में तब और पैसा बढ़ता हुआ नजर आएगा इसके अलावा प्रोमोटर्स की होल्डिंग सेवेंटी टू की है यहाँ पर एफ ने थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है डी ने थोड़ी सी बट यहाँ पर पब्लिक ने जनरल यहाँ पर हिस्सेदारी ली है तो अच्छा खासा यहाँ पर पब्लिक के पास भी हिस्सेदारी और ये शेयर दोबारा स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी है तो यहाँ पर भक्ति भी तेज है गिरती भी तेज है बट स्टिल यहाँ पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है थोड़ी से यहाँ पर करेक्ट हो सकता है ये शेयर और फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पर एक जर्नी पर अपनी शुरू कर सकता है और ये शेयर पूरी काबिलियत रखता है कि ये एक हजार रुपए तक जा सकता है थोड़ा सा टाइम दो एक आध साल के अंदर अंदर यहाँ पर ये टारगेट मुझे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर अचीव होता हुआ नजर आएगा बेहतरीन कंपनी है इसके अलावा एक और शेयर से रिलेटेड बात करते हैं सेम इससे जब यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात होती है तो यहाँ पर एक शेयर हो रहा है जुबलियंट इंग्रीविया इसकी भी साथ साथ में बात होती है यहाँ पर डीमर्ज हुआ था यहाँ पर जुबलियंट लाइफ साइंस से जुबलियंट यहाँ पर फार्म हो तो नीचे आ गया बट अगर बात करें जुबलेंट इंग्रीविया उसी तरीके से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है राकेश झुंझुनवाला के भी इसमें हिस्सेदारी है यहाँ पर सेम मार्केट कैप है अगर बात करें यहाँ पर भी मिड कैप

भी नजर आ रही है यहाँ पर सेल्स की बात करें सिक्स एटी फोर करोड़ रुपीज की सेल्स है, देता है। इसके अलावा फिफ्टी की होल्डिंग यहाँ पर देखिए इनके प्रोमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाई है यहाँ देख रहे सिक्स पॉइंट से सॉरी पॉइंट सिक्स एट से पॉइंट नाइन टू कर दी है एफआईज़ ने थोड़ी सी हिस्सेदारी कम है डीआईस ने बढ़ाई है पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास बड़ी है ट्वेंटी एट परसेंट की एफआई ने जो बेची है वो पब्लिक ने ले ली है यहाँ पर देखिए यहाँ पर रेखा झुंझुनवाला ने थोड़ी सी हिस्सेदारी यहाँ पर कम करी है कम नहीं एक्चुअली सेम हिस्सेदारी यहाँ पर देखिए बस अलग अलग पार्ट में यहां पर दे रखा है राकेश झुंझुनवाला की भी हिस्सेदारी तो अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर राकेश झुंझुनवाला रखते हैं तो ये कंपनी भी काफी बेहतरीन है यहाँ पर से अभी भी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है थाउजेंड रुपीज तक ये भी कंपनी जाती हुई नजर आती है आ, ये कंपनी का बिहेवियर है भागती है फिर थोड़ा सा यहाँ पर सुस्ताती है थोड़ा गिरती है फिर उसके बाद फिर भागती है जो कि यहाँ पर आप देख सकते

यहां पर कुछ न्यूज भी थी जिस वजह से यहाँ पर ये शेयर आज के दिन में लगभग अच्छा खासा भागता हुआ नजर आया मार्केट कैप की बात करें यहाँ पर लार्ज कैप कंपनी है चौतीस हजार करोड़ की डेट की बात करें आठ परसेंट के आसपास के आठ परसेंट भी नहीं पॉइंट एट परसेंट के आसपास के यहाँ पर डेट है और प्राइजिंग की बात करें तो प्राइजिंग भी नहीं है यहाँ पर कोई भी शेयर और यहाँ पर अभी एक ये भी शेयर डीमर्ज होता हुआ नजर आया था उसके बाद से अगर देखे तो यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डेटा दे रखा है क्वार्टरली बेसिस पे तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए हाइस्ट लेवल

के अगर हम बात करें अः ये कंपनी काफी बेहतरीन कंपनी है बीच बीच में प्रॉफिट भी बुक करते रहना और जैसे कि दूसरे लोग कर भी रहे हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अच्छे यहाँ पर देख दिखा भी देता हूँ मैं आप लोगों को तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक चीज तो यहाँ पर बड़े बड़े लोग देखिए यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी आशीष धवन ने भी ले रखी फिर इस क्वार्टर में वन मतलब थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं बढ़ेगा तो अच्छी बात है और पैसा तो हमेशा आना ही चाहिए और प्रॉफिट बुक हमेशा करते रहना चाहिए हमेशा लॉन्ग टर्म ही नहीं सोचना चाहिए लॉन्ग टर्म में कभी कभी चीटें ऊपर जाके नीचे भी आ जाती है ये चीट भी आपको देखनी चाहिए ये भी देखिए फिफ्टी डी के आसपास जब भी आता है ये शेयर भागता हुआ नजर आता है इस शेयर को भी मैं अगर मैं आपको बताऊं तो दो सौ के आसपास से मैंने आपको बता रहा हूँ फिर